भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बना रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला के लंदन जाने से हलचल मच गई है। वहां द टाइम्स यूके को दिए एक इंटरव्यू में अपने बयान को लेकर उन्होंने सबको चौंका दिया है। पूनावाला ने लंदन में टाइम्स यूके को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया कि भारत के शक्तिशाली नेता, मुख्यमंत्री और बिजनेसमैन उन्हें फोन पर धमका रहे हैं, सभी वैक्सीन की सप्लाई तुरंत करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सप्लाई को लेकर मुझ पर भारी दबाव डाला जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदार पूनावाला ने कहा कि सब भार उनके सर पर पड़ रहा है, जबकि ये काम अकेले के बस की बात नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार अदार पूनावाला ने कहा कि उन्हें भारत में कोरोना वैक्सीन के लिए कई फोन आ रहे थे, जिसमें उन्हें प्रभावशाली लोगों से धमकियां मिल रही थी। उन्होंने कहा कि फोन कॉल सबसे बुरी चीज है, मुझे लगातार धमकी भरे फोन आ रहे थे। ये सभी फोन भारत के प्रभावशाली लोगों की तरफ से आ रहे हैं। कॉल करने वालों में भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री, इंडस्ट्री चैंबर्स के प्रमुख और कई प्रभावशाली हस्तियां शामिल हैं। ये लोग फोन पर कोविशील्ड वैक्सीन की तत्काल आपूर्ति की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन पाने की उम्मीद और आक्रामकता का लेवल भारी है, हर किसी को ये सबसे पहले चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी संकेत दिए कि वो वैक्सीन के निर्माण के विस्तार की योजना के साथ लंदन आए हैं। इस बीच अदार पूनावाला ने कंपनी के पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स से ब्रिटेन मीटिंग की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमारे पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ यूके में मीटिंग शानदार रही। पुणे में कोविशील्ड का उत्पादन जोरों पर है, मैं कुछ दिन में वापस आने पर वैक्सीन उत्पादन की समीक्षा करूंगा। वही आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अदार पूनावाला को सीआरपीएफ की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में 11 जवान होते हैं, जिसमें एक या दो कमांडोज और पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। उन्हें सुरक्षा देश भर में प्रदान की गई है। वही आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी घातक साबित हो रही है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 3,689 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह इसकी जानकारी दी गई। देश में एक दिन में कोरोना से हुई ये सबसे अधिक मौतें हैं। वहीं इसी अवधि में 3,92,488 नए मामले सामने भी आए। इसके साथ ही देश में अब तक 15,68,16,031 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।